देवास में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह गौड़ के नेतृत्व में केपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस एल वरे को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन विनोद राठौर ने किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में देवास शाहजहाँपुर सांसद द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व देवास प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी एवं जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रजानी पर सांसद द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा घोर विरोध किया गया। कैबिनेट मंत्री एवं जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष से देवास शाहजहाँपुर सांसद अमर्यादित टिप्पणी करने पर माफी मांगे, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ये आज हम NSUI के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण यहाँ केपी कॉलेज में उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि विगत 20 तारीख को 20 जनवरी को जो जिला योजना समिति की जो बैठक हुई थी उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय महेंद्र सोलंकी और जो आपको नाम अभी देवास में चल रहा है बबलू भचान, ये तीसरी मीटिंग है जिसमें हमारे सांसद जी बबलू भचान का किरदार पुरजोर तरह से और पूरी जवाबदारी से निभा रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उनसे अमर्यादित व्यवहार किया। व्यवहार नहीं कहूँगा मैं, उसे दुर्व्यवहार कहूँगा क्योंकि जो उनकी शैली है ये दुर्व्यवहार की शैली है। उन्हें ये तक नहीं पता कि एजेंडे में अगर कुछ नियम के विपरीत अगर कोई बात करनी है तो उसके लिए हमारे प्रभारी मंत्री जो कि हमारे अध्यक्ष है जिला योजना समिति के, उनकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। उनको ये तक नहीं पता और उन्हें इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है कि अगर सदन में इस तरह का अमर्यादित व्यवहार किया जाता है तो सदन के अध्यक्ष जो कि हमारे प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जी है उनके द्वारा उन्हें बाहर भी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो बबलू भचान का किरदार निभा रहे हैं उसके विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और शव यात्रा निकालेंगे। और उन्होंने जो हमारे माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा मंत्री के खिलाफ जो अभद्र, देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।